Very good morning, students. Last time we have discussed about the Coulomb's law. Now we are going to discuss about the Coulomb's law in the vector form. ठीक है? आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है Coulomb's law in the vector form. Actually, जब हमें Coulomb's law in the vector form पूछा जाता है, तो we are just stating that both forces are equal and opposite. कौन सी फोर्सेज? जो फोर्सेज एक दूसरे चार्जेस के ऊपर एक्ट हो रही है. ठीक है? Coulomb's law हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई दो चार्जेस हैं. मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं हम लोग. ठीक है? तो ये दो चार्जेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्स एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो भाई, दिस चार्ज, दिस वन स्टेटेड एज क्यू वन, इसको क्यू टू, या इसको क्यू वन रख लेते हैं, एंड दिस वन इज द क्यू टू चार्ज. क्यू टू चार्ज जो है क्यू वन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसको इस तरफ से पुश करेगा. ठीक है? इस तरफ धकेलेगा, फोर्स अप्लाई करेगा. तो वी कैन राइट दिस फोर्स, दैट इज फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड. वी कैन राइट इट एज, अरे भाई ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. क्यू टू चार्ज किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है? क्यू वन के ऊपर. तो मैंने फोर्स कैसे लिखी? एफ वन टू, फुट में लिखा इसके एफ वन टू. ठीक है? साथ में वेक्टर नोटेशन. उसी तरह से this q1 charge is applying the force on the q2 in this direction, so we can write it as f ऐसे लिखते हैं हम इसको. ठीक है? तो भाई एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इसके यूनिट वेक्टर जो चलेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो यहां पे हम लिखेंगे r12 क्या, क्योंकि और पोजीशन वेक्टर हमेशा हम ओरिजिन से ही नोट करते हैं. तो इन दोनों का ओरिजिन कहां पे होगा? भाई सेंटर में होगा, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ अलाइन की. उसी तरह से इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी r21 कैप. तो ये वेक्टर्स की नोटेशन हमने इन दोनों चार्जेस के ऊपर शो कर दी. ठीक है? तो भाई इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो रहेगी वो रहेगी कितनी? r के बराबर रहेगी. ठीक है? तो हमने यहाँ पे जस्ट प्रूव करना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. और ये क्या प्रूव करता है कि भाई ये जो तो फोर्सेस लग रही हैं एक दूसरे चार्जेस के ऊपर, ये इक्वल अमाउंट की होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं. ठीक है? जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? चार्ज ऑन द फर्स्ट, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन क्यू वन, क्यू वन के ऊपर भाई कितनी फोर्स एक्ट की, तो इसको मैं लिख दूं एफ वन टू वेक्टर. लग रही है ना क्यू वन के ऊपर ये फोर्स लग रही है. तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था. ठीक है? तो कूलम्स का लॉ क्या बोलता है? के, के होता है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर. ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं. कूलम्स लॉ का बोलता है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये बोलता है आर स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, तो साथ में इसकी भाई डायरेक्शन भी तो मेंशन करनी पड़ेगी. तो देखो एफ वन टू की डायरेक्शन इस तरफ है, मेरी लेफ्ट साइड की तरफ है, तो वह इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन जो है वो मेंशन हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन ये आ रही है. देखो इस तरफ भी चल रहा है ये वेक्टर भी, तो इसका मतलब इसके साथ डायरेक्शन कौन सी मेंशन की जाएगी? दिस वन. तो इसको हम लिखेंगे आर टू वन कैप लिखा जाएगा. मेरा बात है, उसी तरह से भाई फोर्स ऑन क्यू टू, सेकेंड चार्ज के ऊपर फोर्स देखते हैं कितनी लग रही है, सेम उसी वे में जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट की, अब Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो कितनी निकलेगी आएगी यहां से? F21 फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट, ऐसे लिखा जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू द K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की सेपरेशन तो आ रही है. ठीक है? साथ में पोजीशन वेक्टर देखो भाई, F21 राइट साइड है मेरी. ठीक है? तो इस राइट साइड की तरफ कौन सा पोजीशन वेक्टर लाइन कर रहा है? ये वाला पोजीशन वेक्टर लाइन कर रहा है. तो वी कैन राइट इट एज, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर वन टू कैप. अगर आपको थोड़ा बहुत डायरेक्शंस का नॉलेज होगा जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, तो वहां पे हमने ये देखा कि जो डायरेक्शंस होती है कैप वेक्टर, ये सिंपली किस चीज को बताते हैं? कैप जो है, ये कैप किस चीज को बताते हैं? यूनिट वेक्टर को. और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? जस्ट टू मेंशन द डायरेक्शन. तो उसी बेसिक नॉलेज की हेल्प से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सिंस आर वन टू कैप इज अपोजिट टू द आर टू वन कैप, कि भाई आर वन टू जो की डायरेक्शन है वो ठीक किसके अपोजिट है? आर टू वन के अपोजिट है. तो नेगेटिव साइन उसी चीज को इंडिकेट करेगा,
तो भाई इसकी पहली को उठाते हैं हम दोनों में से किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, गिव दैट इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। तो इसकी पहली को उठाते हैं भाई, इसी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो देखो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, f2 1 वेक्टर, कहां पे हमने सब्स्टिट्यूट की, पुट इन इक्वेशन 1, यहां पे लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्या पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वी कैन राइट इट एज f2 1 वेक्टर will be equivalent to the k q1 q2 upon r square, और r12 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये वाला फैक्टर माइनस ऑफ r21 कैप ला दिया। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज कैसे करेंगे, देखो f21 वेक्टर will be equivalent to the नेगेटिव साइन को मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर, तो अंदर बचा k q1 q2 upon r square, और साथ में डायरेक्शन आ रही है इसकी कौन सी, r21। जरा इसी इक्वेशन को और इसी इक्वेशन को एक दूसरे के साथ मैच करके देखिए, जरा सारे के सारे इक्वेशन सेम वही आ रही है, के के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r21 कैप r21 कैप, यानी कि ये जो सारा का सारा फैक्टर है ये किसके बराबर हो गया, f12 के बराबर हो गया। तो वी कैन राइट इट एज f21 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एज सच, और ये सारा फैक्टर किसके बराबर है, F1 2 vector, तो भाई it is nothing but it is the Newton's third law, जैसा कि हमने previous class में पढ़ा है, तो ये क्या है, Newton's का third law है, और ये third law क्या चीज बता रहा है कि भाई action and reaction are equal and opposite, या तो फिर इन दो charges के ऊपर जो force act हो रही है, इन दो charges के ऊपर जो force act हो रही है, both having the same value, दोनों forces जो हैं same magnitude की हैं, but दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो ये नेगेटिव साइन की चीज को इंडिकेट कर रहा है इनकी अपोजिट डायरेक्शन को। क्लियर होगी बात सारी ये, ठीक है, थैंक यू ऑल।